ये राजमहल है। एक गांव के संबंध में मैंने सुना है कि वहां एक दिन एक जादूगर आ गया था और उस गांव के कुएं में उसने एक पुड़िया डाल दी थी और कहा था कि इस कुएं का पानी जो भी पिएगा वह पागल हो जाएगा। एक ही कुआं था उस गांव में, एक कुआं और था लेकिन वह गांव का कुआं न था, वह राजा के महल में था। सांझ होते होते तक गाँव के हर आदमी को पानी पीना पड़ा, चाहे पागलपन की कीमत पर भी पीना पड़े, लेकिन मजबूरी थी, प्यास तो बुझानी पड़ेगी, चाहे पागल ही क्यों ना हो जाना पड़े। गांव के लोग अपने को कब तक रोकते, उन्होंने पानी पिया। सांझ होते होते पूरा गांव पागल हो गया। सम्राट बहुत खुश था, उसकी रानियां बहुत खुश थी, महल में गीत और संगीत का आयोजन हो रहा था। उसके वजीर खुश थे कि हम बन गए, लेकिन सांझ होते होते उन्हें पता चला कि गलती में है वे, क्योंकि सारा महल सांझ होते होते गाँव के पागलों ने घेर लिया। पूरा गाँव हो गया था पागल, राजा के पहरेदार और सैनिक भी हो गए थे पागल। सारे गांव ने राजा के महल को घेर कर आवाज लगाई कि मालूम होता है कि राजा का दिमाग खराब हो गया है, हम ऐसे पागल राजा को सिंहासन पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। महल के ऊपर खड़े होकर राजा ने देखा कि बचाव का अब कोई उपाय नहीं है। राजा अपने वजीर से पूछने लगा कि अब क्या होगा, हम तो सोचते थे कि भाग्यवान है हम कि हमारे पास अपना कुआं है, आज ये महंगा पड़ गया है। सभी राजाओं को एक ना एक दिन अलग कुआं महंगा पड़ता है, सारी दुनिया में पड़ रहा है, जो अभी भी राजा है कल उनको भी कुआं महंगा पड़ेगा, अलग कुआं खतरनाक है। लेकिन तब तक ख्याल नहीं था, वजीर से राजा कहने लगा क्या होगा अब। वजीर ने कहा अब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आप भागे पीछे के द्वार से और गांव के उस कुएं का पानी पीकर जल्दी लौटाए, अन्यथा ये महल खतरे में है। सम्राट ने कहा उसे कुएं का पानी, क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो। वजीर ने कहा अब पागल बने बिना बचने का कोई उपाय नहीं है। राजा भागा, उसकी रानियां भागी, उन्होंने जाकर उस कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में एक बड़ा जलसा मनाया गया, सारे गांव के लोगों ने खुशी मनाई, बाजे बजाए, गीत गाए और भगवान को धन्यवाद दिया कि हमारे राजा का दिमाग ठीक हो गया है, क्योंकि राजा भी भीड़ में नाच रहा था और गालियां बक रहा था, अब राजा का दिमाग ठीक हो गया। चूंकि हमारी नींद सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, क्योंकि हम जन्म से ही सोए हुए हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है इस नींद में हम क्या समझ पाते हैं जीवन को, इतना ही कि यह शरीर जीवन है, इस शरीर के भीतर जरा भी प्रवेश नहीं हो पाता। ये समझ वैसी ही है जैसे किसी राजमहल के बाहर दीवाल के आसपास कोई घूमता हो और समझता हो कि यह राजमहल है। दीवाल पर, बाहर की दीवाल पर, चार दीवारी पर, परकोटे पर, परकोटे के बाहर कोई घूमता हो और सोचता हो कि राजमहल है, ओशो।